स्वास्थ्य मंत्रालय डेल्टा वेरिएंट के लिए हमें लगातार सचेत कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आज शव यात्रा निकाली गई। टिंज भारत उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करता है, लेकिन सवाल यहां नियमों और कानूनों का है। हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत वर्ष के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कोविड नियमों की एक बार फिर से धज्जियां उड़ाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश लगता है अब तीसरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ने वाला है। सरकार के सामने नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह युवक अपने मुंह का मास्क उतार रहे हैं। क्या यही एक नेता के लिए श्रद्धांजलि है? सबसे बड़ी बात कि नियमों को क्यों तोड़ा गया? नियमों को तोड़ना कहां तक उचित? भारतवर्ष के प्रधानमंत्री वर्चुअल रैलीज के माध्यम से हर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के पास इतना तंत्र नहीं है कि कोविड नियमों की पालना करवा सके और लोगों में 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का संदेश पहुंचा सके। फिलहाल आपको हमने इन तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है कि लोकप्रियता का होना बहुत अच्छी बात है, श्रद्धांजलि भी सभी लोग अर्पित कर रहे हैं, ये भी सम्मान की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड नियमों की अवहेलना करना ये भी राष्ट्रहित में उचित नहीं। उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर तोड़े कोरोना नियम। क्या कोविड प्रोटोकॉल केवल आम आदमी के लिए ही है? कोरोना के हालात में क्या आम आदमी की तरह इस समय भी कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा सकता था? आज रिज मैदान पर भीड़ बहुत थी, भीड़ कम करने के लिए योजना व नियम क्यों नहीं? अगर नियम बनाए थे तो उन नियमों की पालना क्यों नहीं हुई? प्रशासन सचेत था, पहले से ही पता था कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ये हुजूम लगने वाला है, लेकिन इसका परिणाम अब शायद हिमाचल प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। क्या यही श्रद्धांजलि हम जहां हैं वहीं से नहीं दे सकते थे? क्या इसमें राजनीतिक परिदृश्य की झलक भी देखी जा सकती है? टिंज भारत का काम आपको सच दिखाना है और आपको ये तय करना है कि क्या इसमें सच था, क्या इसमें झूठ था। फिलहाल एक बार फिर से टिंज भारत हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रदान करता है।